जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि बीएसएफ ट्रेड्स में रिजल्ट आखिर इतनी देर से क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे भाई परेशान हैं और मेल भी यहाँ पे वायरल हुआ था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके सामने यहाँ पे मेल दिखाया जा रहा था उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आई थी कि वो एक बच्चे द्वारा मेल भेजा गया था, ठीक है। और ये एक लोगों के पास नहीं है, ये टोटल ग्रुप में भेजा गया था। ग्रुप में जिसको जैसे मिला वैसे ही उसको यहाँ पर समझाया। लेकिन जहाँ तक बात यही है कि आपका जो रिजल्ट है, क्योंकि उस मेल में एक चीज़ और भी बताया गया था, आप उसको ध्यान से सुने होंगे। उस मेल में बताया गया था साफ साफ कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो यहाँ पे 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। लेकिन जब जिस प्रकार से वो मेल को यहाँ पे गलत साबित किया गया, उसी प्रकार से ट्रेड टेस्ट की जो डेट है वो भी यहाँ पे गलत मानी जाती है। तो इस प्रकार से ट्रेड टेस्ट जो है आपका वो अभी नहीं होगा, ये बात तो यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा ये उठता है, आखिर रिजल्ट देरी क्यों हो रहा है और आगे रिजल्ट कब आएगा। तो मेरे भाई आपको बता दें कि ये एक टॉपिक है रिजल्ट को लेकर, क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती है वो 2158 पोस्टों पर है, तो उसको रिजल्ट को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है बच्चों के बीच में कि आखिर इसका रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही बच्चे यहाँ पे टेटस और डॉक्यूमेंटेशन देने जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें मेरे दोस्त आपको कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो रिजल्ट है वो डिले किस लिए हो रहा है। डिले इसलिए हो रहा है मेरे भाई क्योंकि इसके जो वैकेंसी आई हुई थी वो आई हुई थी 1284 पोस्टों पर, इतने ही पोस्टों पर इसका एग्जाम भी करवा लिया गया, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पर वैकेंसी को इंक्रीज किया गया, करीब कर दिया गया 2158 पोस्ट। अब 2158 पोस्ट का मतलब ये है कि करीब यहाँ पे इसके 8 गुना बच्चे यहाँ पे पास करे किए जाएंगे। किस लिए पास किए जाएंगे? क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट होना है। तो इतने बच्चे जब पास किए जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट में भी कुछ बच्चे बाहर होंगे, और बाहर होने के बाद यहाँ पर आपको पता होगा कि एक बच्चे द्वारा यहाँ पर अप्लीकेशन दिया गया था, जिसे बोल सकते हैं एक यहाँ पर पत्र लिख के भेजा गया था बीएसएफ के द्वारा। सॉरी दोस्तों, आपको बता दें कि बच्चे के द्वारा भेजा गया था बीएसएफ की तरफ कि यहाँ पर जो NSQF लेवल फर्स्ट का, ध्यान दीजिएगा, NSQF लेवल फर्स्ट का जो सर्टिफिकेट है उसे बारीकी से जांचा जाए, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि ये फर्जी बनवाकर जाएंगे और बीएसएफ में सेलेक्ट हो जाएंगे, और जिनके पास सही का है, जो ओरिजिनल अपना बनवाए हैं और प्लस में वो कोर्स भी किए हैं NSQF लेवल फर्स्ट का, अगर वो पीछे रह जाएंगे और जो फर्जी बनवा के गए हैं उनका अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो उसको लेकर बहुत सारे भाई परेशान हैं। तो एक पत्र लिख के बीएसएफ को सौंपा गया था बच्चों के द्वारा, ठीक है। उसके कारण भी यहाँ पर रिजल्ट आपको डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि बात क्या है कि कुक में जितने बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए थे या फिर NSQF लेवल फर्स्ट का जिसमें सर्टिफिकेट मांगा गया था, अगर आपने उस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई किया, उस पोस्ट के लिए अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो आप एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे ट्रेटर्स का जो आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होगा, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको चेक होगा, वो बहुत ही बारीकी से चेक होगा। एक बात आप सभी याद रख लीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सभी ने NSQF लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट जिसका भी लग रहा था, अगर आप अभी तक नहीं बनवाए हैं तो आप बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सोच विचार के बनवाइएगा, क्योंकि NSQF लेवल फर्स्ट का प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चों के पास यहाँ पे ओरिजिनल है जो कि कोर्स किया है बच्चे ने, और कुछ बच्चे यहाँ पे फर्जी बनवा कर आएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो NSQF लेवल फर्स्ट का जो सर्टिफिकेट है वो जिस बच्चे के पास ओरिजिनल है उन्हीं का सिलेक्शन बीएसएफ में हो, ऐसा ना हो कि कोई फर्जी बनवा कर जाए उसका सिलेक्शन हो जाए। तो इससे कहो बहुत सारे भाई चिंतित थे और परेशान होकर यहाँ पे एक पत्र लिख कर दिया था, बीएसएफ की तरफ सौंपा हुआ था। तो बीएसएफ ने उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई किया ही होगा, उसको लेकर भी यहाँ पर रिजल्ट जो है थोड़ा बहुत डिले देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे आने वाले 5 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो इसी साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और आप सभी अपने रिजल्ट को यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो। फिलहाल आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ पर उसी के आसपास में बीएसएफ ट्रेड्समैन की आसपास में यहाँ पर एग्जाम हुआ था RORM का, उसका रिजल्ट जो है फाइनली यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। और किस लिए कर दिया गया मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसकी वैकेंसी जो थी वो ऑल इंडिया ओवर पे आई हुई थी, मतलब ऑल इंडिया बेस पर उसकी कट ऑफ यहाँ पर बनाई गई। लेकिन ये बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती है ये स्टेट वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी, इस कारण से आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर डिले हो रहा है। इसको लेकर आप परेशान मत होइए, जैसे भी कोई अपडेट और भी मिलेगी हमको तो हम आप सबके लिए वीडियो अवश्य बनाएंगे। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।